नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सुख समृद्धि की कामना को लेकर पिछले 10 दिनों से पंचकूला क्षेत्र भर में चल रहे 10 दिवसीय दशा माता व्रत अनुष्ठान मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के साथ सम्पन्न हुए। सोमवार को रात्रि जागरण के बाद सूर्य प्रतिमाओं का जलाशय में विसर्जन किया गया। घरों में स्थापित प्रतिमाओं की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव के मुख्य मार्ग होते हुए जलाशय पर पहुंची, जहां पर प्रतिमाओं की आरती के बाद विसर्जन किया गया। पुंजपुर गांव में एक श्रद्धालु द्वारा विगत 10 वर्षों से दशा माता व्रताधारी महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों के प्रसाद वितरण किया जा रहा है। वहीं साबला उपखंड के मुंगेर गांव में सुथार समाज के तत्वाधान में प्रवीण सुथार के निवास पर स्थापित दशा माता की प्रतिमा को भी गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाल कर जलाशय में विसर्जन किया गया। इस अवसर पर रमन सुथार, हरीश सुथार, लक्ष्मीचंद सुथार, जगदीश सुथार, हरीश सुथार, करिश्मा सुथार, होनिका सुथार सहित कई महिलाएं ग्रामीण उपस्थित रहे।